नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, रेलवे मंत्रालय ने रेलवे सेफ्टी फंड से 16,752 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के डिमांड पर संशोधित अनुमान लगाते हुए पिछले साल की तुलना में इस साल 5,000 करोड़ की रकम रेलवे सेफ्टी फंड में ज्यादा दी थी, जो कुल मिलाकर 68,725 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन रेलवे ने इस सेफ्टी फंड से जो पैसा खर्चा किया वो है 51,973 करोड़ रुपए। इसका मतलब करीब करीब 24% पैसा जो है रेलवे खर्चा ही न कर पाई। जब रेलवे मंत्रालय को पूछा गया तो रेलवे मंत्रालय का उत्तर था कि जो खर्च किया वो 11 महीने का है, अभी एक महीने के आंकड़े हमारे पास आना बाकी है। तो क्या हम ये माने कि रेलवे ने यदि पूरा पैसा खर्चा किया हो तो 75% 11 महीने में खर्चा करती है और मात्र एक महीने में 25% बचा हुआ पैसा खर्चा करती है? ये कैसा खर्चा है? खबर के पीछे की खबर ये है, रेलवे मंत्रालय में लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, पैसेंजर्स की सुरक्षा नहीं के बराबर है। जब भी कोई हादसा होता है या पैसेंजर के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होती है तो रेलवे मंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि पैसेंजर की सुरक्षा को लेके कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन ये बातें बातें ही रह जाती है। क्यों? कि रेलवे सेफ्टी के लिए जो फंड सरकार से उन्होंने मांगा वो तक खर्चा नहीं किया। इसके मायने ये है कि रेलवे मंत्रालय ने जब जब रेलवे सुरक्षा को लेके नई नई योजनाएं लाई है वो सारी योजनाएं फाइलों में ही बंद पड़ी है, या पूरी तरह से उस योजनाओं को ये फंडिंग ही नहीं कर पाए, नहीं तो इतना फंड नहीं बचता। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।